तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। दोस्त, पिछले कई दिनों से पंतनगर यूनिवर्सिटी के सेशन 21 के लिए कोई भी ऑफिशियल एंट्रेंस के रिगार्डिंग नोटिस रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन कई दिनों से आप सभी के कई सारे डाउट्स आ रहे हैं एग्जाम डेट को लेकर। गाइज, अभी भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं पहले बता दूँ, जिन्होंने अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया उनकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। सो 15 जुलाई तक अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो भी करेक्शन वगैरह जो आपको करनी हो वो सब कुछ आप 15 जुलाई तक कर सकते हो। कापी हॉर्ड कॉपीज जो आपको सेंड करनी होती है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एड्रेस पे, उसको भी आप 15 जुलाई तक सेंड कर सकते हो। सो गाइज, हम बात करेंगे इस वीडियो में फाइनल अपडेट क्या है अभी तक की, एंट्रेंस एग्जाम्स कब होगा और कैसे होगा। सो इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सर, वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले बता दूँ, कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के जेई बीटेक कोर्सेज में एडमिशन को लेकर। सो जो बंदे बीटेक के रिगार्डिंग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके बता दूँ, बीटेक का यहाँ पे कोई भी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं होता है। बीटेक एडमिशन यहाँ पे जेई मेंस की मार्क्स के बेस पे उसका काउंसलिंग होता है, और ये काउंसलिंग आपका जो UTU है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो कराती है। और ये काउंसलिंग हर साल अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाती है। जब तक आपका जेई मेंस का चारों सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक UTU अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कराएगी। सो जैसे ही वहाँ पे आपका चारों सेशन जेई मेंस के कंप्लीट होते हैं, UTU अपनी काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करके बीटेक के रिगार्डिंग काउंसलिंग स्टार्ट कर देती है। सो आप अपने जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसके बेस पे आप उत्तराखंड के किसी भी टेक्निकल कॉलेजेस में, लाइक GVPUT और जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हो अपने परसेंटाइल के मार्क्स वगैरह कैटेगरी के बेस पे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे UG जो भी यहाँ पे GVPUT में UG PG और जो MCA कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस है उसके। सो जैसा कि आपको पहले से पता होगा, ये नोटिस 27 मई को आई थी, जिसमें बताया गया था कि आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट को कोविड की वजह से, कोविड सिचुएशन की वजह से लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था, और ये डेट 15 जुलाई तक किया था। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को 15 जुलाई तक फिलअप कर सकते हो। सो बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। सो अभी तक इसमें भी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, केवल यहाँ पे 15 जुलाई मेंशन किया गया है, वो भी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, सो गाइज आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। हम बात करते हैं इस वीडियो में एग्ज़ाम आपका कब होगा। अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट ईयर हुआ गया था कि लास्ट ईयर जो आपका प्रोसेस था वो मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन इस बार से आपका फुली जो प्रोसेस होने वाला है वो पूरी तरीके से एंट्रेंस बेस्ड होने वाला है। सो यार, अभी तक एंट्रेंस के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं की गई है कि आपका एंट्रेंस कब होगा। जो पहले डेट आई थी 19 और 20 जून को, वो डेट अब बीत चुकी है। सो उस डेट को पहले ही आगे के लिए पोस्टपोन किया गया था। सो जो नया डेट आने वाला है वो कब तक हो सकता है, मैं उसकी एनालिसिस इस वीडियो में करूँगा। सो दोस्त, अगर बात करें 2018-2019 के बारे में, तो आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम्स का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें टोटल 2 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, लास्ट ईयर के बेसिस में बता रहा हूँ, 20 में क्या हुआ था, वहाँ मेरिट बेस हुआ था, लेकिन उसके पहले 2018-2019 में लास्ट डेट आपकी 15 मई थी। ठीक है, तो 15 मई के ठीक 2 हफ्ते बाद, यानी कि 30 मई को आपका एडमिट कार्ड आया था। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ 2018 का आपका पूरा सेशन बता रहा हूँ। 30 मई को आपका एडमिट कार्ड आया था, और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम हुआ था 15 जून को। सो गाइस, जब भी आपका अप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, ठीक उसके 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, या फिर 1 महीने से ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं। लेकिन अगर 2019 को भी देखा जाए, तो जो आपका लास्ट डेट फॉर्म का था वो पूरा था 28 मई। ठीक है, 28 में आपका लास्ट डेट था, और जो आपकी अब एडमिट कार्ड आई थी वो आई थी 12 मई को। ये 2019 का मैं एनालिसिस डाटा कर रहा हूँ। जो 2019 में आपकी एडमिट कार्ड आई थी आपकी UG और PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, वो 12 मई को एडमिट कार्ड आई थी। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 28 मई को। ठीक है, 28 मई को हुआ था UG का, और 30 मई को हुआ था PG का 2019 में एंट्रेंस टेस्ट। सो इस बार अगर देखा जाए, तो जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो है 15 जून, और एडमिट कार्ड आपका कब तक आ सकता है, एडमिट कार्ड आपका 1st अगस्त तक रिलीज किए जा सकते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है नीट एग्जाम्स को लेकर। सो गाइज, बीच में नीट एग्जाम भी पड़ता है। अगर नीट एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाता है तो पंतनगर एंट्रेंस पहले ही हो जाएगा, अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो पंतनगर एंट्रेंस आपका नीट के बाद होगा। लेकिन कुल मिला के अभी आपका पंतनगर का एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म के ठीक 1 महीने बाद हो सकता है। सो आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई तक आप उसको फिलअप कर सकते हो। 1st अगस्त को आपका एडमिट कार्ड लगभग 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आ जाएगा, और जो आपकी एंट्रेंस डेट होने वाली वो 15 अगस्त के बाद ही होगी। सो कुल मिला के मैं पूरी तरीके से आपको ये एनालिसिस करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पंतनगर का एग्ज़ाम होगा UG का, वो 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच में हो सकता है, और PG का भी 25 अगस्त के आसपास ही हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के 15 से लेकर 25 के बीच में आपकी एग्ज़ाम्स UG PG की कंडक्ट करा ली जाएगी। इसी बीच में जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं MCA के लिए या फिर MTech के लिए, उनका MTech का एडमिशन गेट के मार्क्स के बेसिस पर होता है, जैसे कि BTech में एडमिशन JEE के मार्क्स पे, और वैसे ही MTech में एडमिशन गेट के
मार्क्स के बेसिस पर होता है, ठीक है। सो कुल मिलाकर आपका जो एग्जाम डेट है वो प्री एनालिसिस की जाए तो 15 से लेके 25 अगस्त के बीच में कराई जा सकती है। सो कुल मिलाकर यार अभी तक आपके पास पूरी तरीके से देखा जाए तो एक लंबा टाइम है, यानी कि 2 महीने का टाइम बचा हुआ आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन में। सो कुल मिलाकर यार मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन करो, एनसीईआरटी के एमसीक्यू को सॉल्व करो, क्योंकि कोई जो अदर बुक है आपको गूगल वगैरह पे या फिर एनसीईआरटी वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट पे ये दिखने को मिले, कोई तरीके से वो यहाँ पे यार अच्छी तरीके से वर्क नहीं करने वाले, ठीक है। उसमें नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, जो पंतनगर के लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पंतनगर का एग्जाम ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज़्यादा लो भी नहीं होता, एवरेज सिस्टम में होता है। सो कुल मिलाकर आप एनसीईआरटी के बुक को रिविजन करो। अगर आप नीट के मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो उसके मॉक टेस्ट देते रहो, बिकॉज वो आपको काम देने वाला है। एंड जो भी दिक्कत आ रही हो आप सभी को, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। और प्रॉब्लम्स अगर है तो प्रॉब्लम्स को शेयर करो यार, और बस मिलते हैं नए वीडियो में। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको काफ़ी सीनियर्स आपको मिलेंगे और काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। अभी जो पेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद आपसे वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।